और आज अभी हमें बीर होटल में ही, तो आज का प्लान सिंपल सा है। प्लान में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। पहले हमने सोचा था कि पैराग्लाइडिंग करेंगे शाम को, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो अभी हम पैराग्लाइडिंग करने लगे हैं थोड़ी देर में, यानी मतलब कि एक दो घंटे के अंदर हम पैराग्लाइडिंग कम्प्लीट कर देंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से मोनेस्ट्री, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से मोनेस्ट्री के बाद जाएंगे वैष्णो टेम्पल। तो दिस इज़ द प्लेस, सो मच ब्यूटीफुल प्लेस इज हेयर। मतलब यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा शानदार नज़र आता है, वो व्यू है। और अपना होटल बहुत ही अच्छी जगह पे और बहुत ही चीप कॉस्ट में है, तो इसका तो मैं टोटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है हमारा, क्योंकि आधे घंटे में हमारी कैब आ जाएगी जो हमें पैराग्लाइडिंग साइट पे लेके जाएगी। तो सिंपल सा प्लान है, मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट और फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। तो अभी एक काम करता हूँ, फटाफट से उसको पैक करता हूँ और आपको सीधा मिलूँगा तैयार होकर। तो फुल अप अपनी तैयारी हो चुकी है और अभी हम पैराग्लाइडिंग ले जा रहे हैं। तो कैमरा शायद यहीं पर रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कैमरा की कोई जिम्मेवारी वगैरह ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो देखते हैं कैमरा वगैरह लेके जाएंगे कि नहीं, नहीं तो फिर गोप्रो से काम चलाना पड़ेगा वहाँ पे। बाकी का जो शूट है वो इसी से करेंगे। मेरी गल सुन, अब होने वाला है जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, यानी कि पैराग्लाइडिंग। तो अभी हम जा रहे लगे हैं भीड़ से बिलिंग की ओर, बिलिंग की ओर, बिलिंग। एक मिनट, राइट नाउ अभी हम है पुलिंग की साइट पे और ये रहा अमेजिंग प्लेस। यहाँ से देखने पे ही भाई को इतना डर लग रहा है, वहाँ जाके क्या होने वाला मैं बता नहीं सकता। गॉड ब्लेस माय चाइल्ड विद द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और एक और एडवेंचर एक्टिविटी, एक और सपना जो हम पूरा करने लगे, यानी बिलिंग से पैराग्लाइडिंग, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट। तो लेट्स गो, तैयारी करते हैं, पहले वॉशरूम वगैरह जाया था एक बार, और उसके बाद तैयारी देख पाए होती ऐसे होती है तैयारी, जूम नहीं कर सकते बट अब हम तैयार हो जाते हैं। नाउ वी आर रेडी, रेडी, रेडी। पैराशूट बांध लेंदे भाई, नहीं मतलब वैसे रेडी, वैसे रेडी। तो अब स्टार्ट करने लगे पैराग्लाइडिंग। अच्छा कुर्सी है पीछे, वो लग रहा है
बट व्यू यहाँ से बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है यहाँ से व्यू। इट्स टू अमेजिंग प्लेस। और भैया यहाँ तो वर्ड्स भी नहीं मिल रहे बोलने के लिए। तो भैया पैराग्लाइडिंग क्या जबरदस्त वाली, लास्ट में जो साइक्लोन कराया ना एक बार, अगला तो सर चकरा गया पूरा का पूरा, उल्टी वाला माहौल हो गया था। बट अपन ने नहीं कंट्रोल उदय कंट्रोल उदय कंट्रोल। और भैया जी क्या लगा, मतलब पैराग्लाइडिंग कैसी? मज़ा ही आ गया, मैं वीडियो दिखाऊंगा मैं। सीरियसली यार, मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं जो चीज़। मतलब वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट। और एक होता है कि शुरू शुरू में हम कहीं छोटी मोटी जगह पैराग्लाइडिंग सीखते हैं, बट हम सीधा यहाँ पे आए और पैराग्लाइडिंग की। एक बार कहते रोंगटे खड़े हो गए थे, हाथ कांप रहे थे, बट उसके बाद जब उड़ा ना ग्लाइडर, अमेजिंग मज़ा आ गया पूरा उसके बाद। अब एक काम करते हैं, होटल रूम में जाते हैं और आज का जो दिन है उसको चिल मोड के साथ स्पेंड करते हैं। मैं आपको सीधा मिलूंगा होटल रूम में।